नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ चैनल पर। आज का कार्यक्रम एकदम नया है, कुछ अलग अंदाज वाला कार्यक्रम है। आज आपको बहुत ही विशेष जानकारी मिलने वाली है। आप व्रत कर रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप आरती पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं और स्तोत्र का पाठ करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। कार्यक्रम को पूरा देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। साथियों, जब आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अर्थात चालीसा का पाठ करते हैं, आरती का पाठ करते हैं और स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। आप संपूर्ण 9 दिन व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंत में फल आपको नहीं मिलता है। और फल नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है और मिलेगा कैसे मिलेगा, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आप में से बहुत से लोग मंगलवार का व्रत रखते होंगे, हनुमान जी के भक्त होंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। हनुमान चालीसा में आता है जो सतबार पाठ, मतलब जो व्यक्ति सतबार 100 बार पाठ करे उसके जो है सारे कष्ट मिट जाते हैं। अंत में आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पूरी हनुमान चालीसा गा दिए। चालीसा मतलब होता क्या है, उस देव की ईष्ट की प्रशंसा में कुछ शब्द बोलना, उसके लिए अपने हृदय से कुछ मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से प्रशंसा के भाव व्यक्त करना, इसी को चालीसा कहते हैं। जब हनुमान चालीसा आप अंत में पढ़ते हैं, अंतिम लाइन में आते हैं, अंत की तरफ आते हैं, तो पूरी हनुमान चालीसा गाने के बाद आप कहते हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मडेरा। यही आपकी गलती हो गई। आप पूरी चालीसा पढ़े, हनुमान जी की प्रशंसा किए, हे हनुमान जी आप महाबलशाली हैं, रामचंद्र जी के काश सवारे, मेरे भी काश सवारिए, हनुमान जी की स्तुति आपने यथाविधि की और अंत में आपने कह दिया तुलसीदास सदा हरिचेरा, कि मतलब महाराज मैं आपका चेला नहीं हूं, तुलसीदास जी चेला है, उनके ऊपर सारी कृपा करिए। जैसे मान लीजिए आप किसी अधिकारी के पास गए, आपको उसे प्रसन्न करना है, आप उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द बोल रहे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, धैर्यवान हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, फिर अंत में आपने कहा कि ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो जब तक आपने बोला व्यक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो रहा है, लेकिन अंत में आपने कहा तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो कृपा तुलसीदास जी के ऊपर चली गई। इसलिए आपको वहां पर अपना नाम बोलना है, तुलसीदास सदा हर चेरा के बजाय अपना नाम बोले आप, तब आपको इसका फल मिलेगा और तब हनुमान चालीसा की सिद्धि होगी। यह एकदम अकाट्य बात है और सही तरीका भी यही है। ऐसे आप दुर्गा जी की आरती गाते हैं और कहते हैं कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, अब यहां पर आपने फिर से गलती कर दी। आपने दुर्गा जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, हे माता तुम जगत जननी हो, तुमने असुरों का नाश किया, गरीबों को धन दिया, रोगियों को रोग मुक्त किया, ये सारी बात कहने के बाद आप अंत में कहते हैं कहत शिवानंद स्वामी की, मैं नहीं कह रहा हूं, शिवानंद स्वामी कह रहे हैं, जिन्होंने आरती को लिखा था, उस आरती को बनाया था, लिखा था, उनका नाम आपने लिया, यानी सारी कृपा उनके ऊपर जाएगी, इसलिए कहत शिवानंद स्वामी आपको हटाना पड़ेगा। कहत शिवानंद स्वामी के बजाय आप अपना नाम बोलिए। और अगर पूरे गांव के लोग मिल करके आरती कर रहे हैं, सामूहिक आयोजन है, तो वहां पर जोड़ना चाहिए हम, कहत हम शहरवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, कुछ ऐसा शब्द जोड़ना चाहिए। ऐसे शिव चालीसा में भी आता है कहत शिवानंद स्वामी, तो आपको दुर्गा चालीसा में, शिव चालीसा में, हनुमान चालीसा में, आरती में, इन सभी चीजों में, कोई आप कवच का पाठ कर रहे हैं, किसी आरती का पाठ कर रहे हैं या फिर किसी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो अंत में अपना नाम जोड़ना है आपको, तभी आपको फल मिलेगा। अब सवाल आता है जिन्होंने आरती को लिखा,
क्या उन्होंने गलती कर दी? नहीं। तुलसीदास जी क्या करते, वहां पर सबका नाम लिखते। पता नहीं कितने लोग चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो तुलसीदास जी वहां पर सबका नाम तो लिख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने स्वयं का नाम लिखा। और जब तक आप गुरु निर्देशन में नहीं जाएंगे तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा कि कैसे प्रयोग करना है। तो तुलसीदास जी जानते थे कि जब कोई व्यक्ति गुरु के निर्देशन में आएगा तो गुरु उसे बताएगा कि यहां पर तुलसीदास के बजाय अपना नाम बोलना है। अगर तुलसीदास और शिवानंद जी महाराज नाम ही लिखते तो कितने लोगों का नाम लिखते, इसलिए उन लोगों ने अपने नाम को शामिल कर दिया। इसलिए जब भी आरती चालीसा का पाठ करिए, स्वयं के नाम को इंक्लूड करिए। अगर कार्यक्रम आपको पसंद आया है, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक वाले बटन पर दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आप आगे किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, आगे एक और नई रोचक जानकारी के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए जय श्री।